इन जंगलों में तो लकड़ियों ने बीनते बीनते में परेशान हो गया हूँ। अरे बेटा, मुझे ये लग रहा है कहीं से बदबू आ रही है। लग तो मुझे भी रहा है किसी चीज की। चलो बेटा चल करके देखते हैं। अरे क्या देखोगी मम्मी, जानवर फानवर मर गया होगा कोई, पंछी फंसी। अरे बेटा ये जंगल है, कुछ पता नहीं कौन हो कौन नहीं हो। बेटा देखो भूत लग रहा है मुझे, कोई पड़ा है। बेटा जल्दी आओ, घर भी चल रहा है। बेटा ये क्या है? मम्मी आपको चोट तो नहीं लगी? उठो। नहीं बेटा मुझे चोट नहीं लगी है। उठ जाओ बेटा, ये तो लाग है। कौन पड़ा है बेटा यहाँ? तो लकड़ी है। कौन है भैया? उठ जाओ, कौन है भैया? बेटा मुझे लग रहा है किसी ने मारा है इसे। लग तो ऐसा ही रहा है। बेटा इसकी नंबर चेक करना। बेटा घर चलो, चुप चाप हम फंस जाएंगे। नहीं मम्मी, मैं सीआईडी को फोन लगाता हूँ। ये सीआईडी कौन होती है बेटा? ये पुलिस की तरह होती है। अब ज्यादा सवाल मत करो, मैं सीआईडी को फोन लगाने दो मुझे। मुझे तो डर लग रहा है। इसमें डरने की कोई बात नहीं, सीआईडी सब कुछ देख लेगी। एसीपी प्रदुमन, आप लगता है नहाए के नहीं आए आप, क्या बात है? अरे तो लगता है आप नहाए के नहीं आए। एसीपी प्रदुमन, अच्छा दूध पैर के आया हूँ। और ये अभिजीत, ये तो लगता है सो के ही नहीं उठा था आज, लेट आया लग रहा है। अच्छा तो ऐसा है यार, फिर आज कुछ हाथापाई हो जाए किसी से तो लगता है। हेलो, हाँ। अरे मैं आपसे ये कह रहा हूँ, तुम मुझे जंगलों में लाश मिली है। कहाँ पर? जंगलों में इधर। अच्छा अच्छा कौन से जंगल में? मुझे इसका नाम नहीं पता है। अच्छा चलो मैं आता हूँ फिर, ठीक है। हेलो, जंगलों में? अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्ञानेश है। अच्छा चलो हम आते हैं फिर। अरे एक मिनट मेरी बात कराओ। ऐसा आप जंगल में क्या कर रहे थे? मैं अपनी माँ का साथ लकड़ी बीनने गया था। लकड़ी बीनने गया था और कुछ करने गया था? नहीं मैं लकड़ी बीनने गया था। अच्छा चल ठीक है, तो हम आते हैं। तू वहीं देगा या चला जाएगा? मैं यहीं अभी तक। आप देर कितनी लगाओगे? अरे हमें तो लग जाएंगे 10-12 मिनट। तो ठीक है मैं अभी रुके हूँ। ठीक है आ रहे। चलो क्या चलिए बैठो, स्टार्ट तो करो पहले। अरे जन्म का नंबर तो एक केस मिला है, वो भी तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, क्या का माजरा है ये? अरे अब ये सरकारी गाड़ी है तो मालिक को सैलून में मेरी गाड़ी उधर भी चली आ गई हो, तो करो धक्का दो तुम्हें। अरे तेरा तो धक्का ही लगेगा। नहीं लगेगा। चलो जोर से जो लगा के जो लगा के। अरे मारो मारो मारो। हां चलो चलो चलते हैं। लगता है यही सारी गाड़ी है। अरे ये क्या कर रहा है प्रदुमन? खाना नहीं खाया? उठो उठो रेसिपी प्रदुमन, तुमने लगता है खाना नहीं खाया। तुमने खाए भी आए हो नहीं खाए हो? कभी भी नहीं बनाया था ब्रेकफास्ट आपके लिए। अरे पर पिता, अरे सर आप आ गए? हाँ कौन है बेटा? अरे पिता को क्या है? ओ आई सी क्या इन्हें? लोगों को अलग हटाओ इन्हें, अलग ना करो। अरे तुम दूर रहो, तुमने कुछ देखा था क्या? नहीं हमने कुछ नहीं देखा था। हमारी लकड़ी पड़ी है, आपके लिए आए थे। अच्छा यस सर। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम यहाँ आए तो क्या देखा तुमने? सर हम तो लकड़ी बीन रहे थे, हमें तो यही आई ट्राई पड़ी हुई थी जाकर ये आगे। अच्छा क्या? यस सर। इसे देखो ये मारा है क्या, तो कोई सबूत मिलता है या नहीं? अभी देखता हूँ सर। अरे आप ग्रिप तो भूल आए क्या घर पे? फिर ऐसे जांच करेंगे, फिर वो कातिल के निशान कैसे पता करेंगे? सर मुझ पे प्रदुमन, आप ध्यान से ठीक से ध्यान नहीं दे रहे, आपने ग्रिप्ट रखे कहाँ थे? प्रदुमन आपके दिमाग की बत्ती नहीं चल रही है, आपने वो ग्रिप्ट कहाँ रखे थे? मुझे ध्यान नहीं है, वो मोटा निकाल के
लकवा मार गया क्या तुझे? जैसे जैसे केस मिला है मेरे घर में दिक्कत आ रही है, मैं भी तो देखता हूँ उसमें है क्या। पापा घर पर आ रहे हैं। यस हाँ हाँ आते हैं आते हैं। अब तुमने कैसे पता दो तीन दिन हो गए? कुछ चलते हैं घर पर चलते हैं। दो तीन दिन खर्चा नहीं चला इसलिए दो तीन दिन हो गए। सर हम घर पे जाएं? आपका थोड़ी बहुत काम है, आप अभी नहीं जा सकते। तब जाना है कर रहे हैं। निशान तो कहीं नहीं लग रहे हैं भाई। अब भी निशान है जी सर। ये खरास आई भी है कपड़ी ये सर निशान दिख रहे हैं जी। निशान निशान क्या अब जी, अपना तो काम जिंदगी ऐसी कट जाएगी। जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कोई पता नहीं है कोई कहाँ है कोई कहाँ है कोई किससे बढ़ जाए कुछ मालूम नहीं। अच्छा एक बात समझ में नहीं आ रही, इसे मारा तो मारा कैसे? अरे अब जी इसके मोबाइल देखो जेब में है या नहीं है। अरे मैं जब देखता हूँ अरे ये है, ये है ये लगता है इसे घर से मारा गया है। अरे मैं पहले बात कर लूँ इसके घर पर। हेलो अरे हाँ अच्छा अच्छा क्या आपके घर पे कोई गायब हुआ है क्या? हाँ मेरा बेटा नहीं दो दिन से आया है। अच्छा फिर वो कहाँ पे है, क्या कह के गया था घर पे? पता नहीं ये कह गया हूँ पहले जा रहा हूँ कोई काम से। अच्छा तो इधर तो ये अभी हाँ जी मुर्दा पड़ा है क्या? हाँ मुझे फोटो भेज सकते हैं क्या आप? हाँ हाँ सेंड कर रहा हूँ फोटो सेंड कर रहा हूँ आप बताना ठीक है? ठीक है। ये क्या मैं सेंड कर रहा हूँ पार्टी ठीक है। फोटो आ गया आपके पास? आ गया पूरा ये बेटा। अच्छा ठीक है तो आप आ जाओ फिर। हेलो हाँ तो आप बताना हम छानबीन करके आपके घर पे आपके बेटे की लाश भिजवा देंगे ठीक है? ठीक है ठीक है। यस सर तुमने उससे बात की थी बात हुई थी तुम्हारी? वो तो मैंने कह दिया उसके घर पे ही आ रहे हैं हम फिर छानबीन करके। और अब जी इसकी मौत हुई तो हुई कैसे? कई लोगों ने तो नहीं मार दिया। अच्छा ऐसा करो सर हमने पूछताछ करके फिर आस पास देखो ना। यस सर उनसे पूछताछ करो यार क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे क्या कर रहे थे आप लोग? नहीं आपने कुछ देखा या नहीं देखा? हमने नहीं कुछ देखा तो तमाम काम तमाम नहीं करती है सर। सर ये तूने तो नहीं कर दिया इसको? नहीं मैं हमने कुछ नहीं किया, हम तो यहाँ पर लकड़ी मिलने आए थे। ठीक है फिर छानबीन कर लो। अच्छा ये बताओ आप लोग कहाँ रहते हो? हम इसी पास ही गाँव में रहते हैं साहब। अच्छा तो चलो क्या कोई सबूत मिलता है क्या? ठीक है ठीक है इधर देखो इधर कर लेंगे बेटा। कहीं हम लोग तो ना फंसे आज केस में? हम क्यों फंसे आएंगे, हमने थोड़ी ना ये खून किया है। बेटा मैं क्या ये समझ लें कि हम ही ने खून किया है? आज आप ये लोग चेक करेंगे ये बाद में हमें दिखाएंगे हमारी भी चेकिंग करेंगे ताकि बाद हमें छोड़ेंगे यहाँ से। क्या पता हम ही ने खून कर दिया उसको उन लोगों का सब हो रहा है ना हम पे। तो भाई पापा तो आ रहे हैं रोटी कौन बनाएगा घर पर? उनसे पूछ लो चले जाते हैं तुम्हें रुक जाना। मैं यही बात कर रहा हूँ सर। सर मेरे पापा को ड्यूटी से आएंगे मैं दिहाड़ी छाड़ी देकर तो ड्यूटी से आए या कहीं भी जाए जब तक लाश की पूरी जांच पड़ताल नहीं हो जाती आप लोग कहीं नहीं जाओगे। कहीं खड़े हो आपसे और पूछताछ की जाएगी हम तब तक सबूत देखते हैं। अरे साहब इधर तो मन नहीं जा रहा है इधर तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। अरे सर ये तो बहुत घड़ी झाड़ी है। अरे उठो उठो घर के आ रहा है।
अच्छा वो ठीक से चेक करना, ठीक से छानबीन करना। तुम्हारे मुझे लगता है घर भर का मैटर नहीं है ये मुझे तो कुछ क्या। यस सर बोलिए सर, मुझे तो कोई सबूत फबूत दिख नहीं रहा, इसकी घर का भी मैटर नहीं डल रहा, फिर क्या हो सकता है। ऐसी भी कर दो मन, मुझे तो लगता नहीं है कोई केस ये सॉल्व होगा या नहीं होगा यहाँ पर। कोई निशान भी नहीं आ रहा है। यस सर यस सर, एक पेड़ में जहर मिला है। ओह शिट, काटे भी यहाँ पर आया था भी ये एक मिनट रुक, काटे आया है। ठीक है जहर आया, मुझे लगता है। यस सर ठीक है सर, देखते हैं फिर। वो इधर कोई आता है या नहीं आता, अपने भी गलत जगह तो नहीं आ गए। यहाँ भी कुछ नहीं मतलब मालूम पड़ रहा है। इंस्पेक्टर प्रदुमन इधर आइए, कुछ नहीं मिला। ऐसा है सर, इस केस में ऐसा भी हो सकता है कहीं अंत से मार के लाया हो और यहाँ डाल गया हो। ऐसा है, अब मैं और अभिजीत तुम दोनों लोग चलो उनसे पूछताछ करते हैं। पूछताछ करके अभी तो कोई सबूत आया नहीं, लड़के से इसकी माँ से बात करना है। सही है सही है ना। चलो सर पूछते हैं उनसे, तब देखो ओके बात। चलो आओ, पैर के भी निशान नहीं है। कुछ भी नहीं थे अंदर से ला के डाल। तो फिर क्या करना चाहिए इस वक्त पे दो बार? ऐसा करो इसके माँ से बात करो। ठीक है, उन्हें बताओ आपका लड़का जहर से खत्म हो गया है। सही है सही है, ले लिया इसे। ठीक है ठीक, कितनी जांच मिली है हमें। हेलो हेलो, हाँ ये आपके बेटे ने लग रहा है जहर खा लिया। जहर खा लिया कैसे? अब वो मुझे नहीं मालूम, आपके घर का लड़ाई झगड़े का मैटर हो सकता है या फिर किसी और ने खिला दिया होगा। नहीं आज तो वो बरेली के लिए आया था, बरेली जा रहा हूँ। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं बताओ? सब कुछ कर लीजिए। ठीक है ठीक है।